तो गाइज मैं और ग्रंथ अभी जस्ट मामा के घर की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे देखो पोशे गाड़ी खड़ा है बड़ौदा के अंदर। यहाँ पे पोशे गाड़ा है, आगे कौन सा था ग्रंथ? मिनी कूपर गाड़ी था ये बिल्डिंग में। यहाँ पे भी पोशे वोशे घूमता है, सिर्फ बॉम्बे में नहीं घूमता है ग्रंथ, यहाँ भी घूमता है। देखा क्या पता लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी दिख जाए भाई। ग्रंथ क्या मिल गया? टेस्ट कर ले ग्रंथ, टेस्ट कर ले और ले ले। हाँ टेस्ट करके ले ले, मीठी जी हुआ है। अरे वाह। हाँ ले लिया। ले 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 ओके ओके चल। ये देखो पीकॉक है यहाँ पे, है यहाँ पे है और यहाँ पे। पहले हमें लगा के स्टैचू है लेकिन बाद में पता चला कि ये हिल रहा है, ये पीकॉक है। देखो मस्त टेरेस के ऊपर। गाइस रोड देखो ऐसे होने चाहिए कि जो पूरे ट्रीज से कवर हो। देखो ये ऐसे रोड होने चाहिए, हर जगह ऐसे रोड रहेंगे ना तो टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाएगा, गर्मी नहीं लगेगा। लेकिन बैड लक ये है कि कुछ कुछ जगह पे ही ऐसे रोड है जो पूरे ट्री से कवर है। ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे धूप में गाड़ी रखो और यहाँ पे छाव में रखो ना, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। देखो इतना ब्यूटीफुल ये पैच है ना पूरा, बट आगे तक ही है, फिर आगे वापस खुला खुला रोड है। क्योंकि यहाँ पे इस तरफ के ना विद्यानगर में गर्मी, मतलब इवन गुजरात ये वाले उसमें ना गर्मी बहुत रहती है, दोपहर में तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ट्रीज हमेशा होने चाहिए। बट कैसे करेंगे, सबको ये करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऊपर हम ब्लेम नहीं करेंगे। एक एक ट्री सबको है ना कहीं मतलब प्लांट करना चाहिए, कल को उठ के ना पूरा रोड इतना अच्छा कर देता ना वो। देखो यहाँ पे ना इतना ग्रीनरी है इस वाले इसमें विद्यानगर में। ये है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है और ये पूरा यूनिवर्सिटी जैसा पूरा है, मतलब यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स दिखेंगे ना आपको। अभी नहीं है क्योंकि शायद छुट्टी का थोड़ा सा माहौल है इसलिए, अदरवाइज यहाँ पे ना पूरा ये जो विद्यानगर टाउन है ना वो स्टूडेंट के भरोसे। ये सब कॉलेज है, हॉस्टल्स है, सब आसपास सब कॉलेज हॉस्टल ही है। और इतना अच्छा जगह है रहने के लिए, छोटा टाउन है लेकिन बहुत मजा आता है रहने के लिए, काफी शांति वाली लाइफ है, पीसफुल लाइफ है, मजेदार है। अगर आप लाइफ चलाने के लिए और सेविंग वेविंग करके थोड़ा सा मतलब जितना जितना मतलब एक पैसा चाहिए आपको, अगर उतना कमा सकते हो ना तो इससे अच्छी लाइफ कहीं नहीं है। मतलब ज्यादा पैसे के पीछे भागना, ये सब करना, स्ट्रेस लेना, ये सब यहाँ पे लोग बहुत कम करते हैं। ये सब चीजें पैसे कमाते हैं बट अच्छा खासा पैसे कमाते हैं और अच्छी खासी लाइफ जीते हैं लोग, कोई ज्यादा ये नहीं है। मतलब जैसे बॉम्बे और बड़ी बड़ी सिटीज में होता है ना कि मैं इतने कमा लूं, इतने कमा लूं, यहाँ पे भी दो दो पांच पांच लाख कमाने वाले लोग हैं, लेकिन जो लोग वहां पे भागते हैं ना यहाँ पे वैसे नहीं भागते। ये सब डिफरेंस मैंने ना यहाँ पे देखा, बहुत ही नोटिस किया ये सब चीजें कि हम ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे अगर हमारे फैमिली के साथ हमें टाइम नहीं मिल पाया, आप अपने बच्चों के साथ खेल ना पाए, आप अपने बच्चों के साथ उसके साथ उसको स्कूल छोड़ने ना जा पाए, ये सब मतलब जैसे उसका उसके साथ आप टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाएंगे, वो मतलब नहीं उतना। करो, करना जरूरी, पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन एक नंबर देख लो कि हाँ इससे ये अगर इतना पैसा हमने कमा लिया और तो मेरा लाइफ अच्छे से चल सकता है और मैं और भी मतलब थोड़ी साइड एक्टिविटीज कर सकता हूँ। इतने पैसे अगर आपके पास आ गए ना फिर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। हे गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं अपने दोस्त के ऑफिस में बैठा हूँ मैं, और यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी खाना खाने के लिए। और उसने ना जैसे एक्सप्लेन किया था कि कहाँ खाना खाने जाना है, एक ढाबा पे जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए, और जिस तरीके से उसने मुझे एक्सप्लेन किया ना, वो बोल रहा था कि बहुत ही मतलब लाइक वर्स, वो जैसे बोल रहा है कि जगह अच्छा नहीं है लेकिन खाना बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उसके मुँह से भी सुन लेते हैं और हम जाके उधर दिखाएंगे भी सही कि कैसा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, वो तो बहुत बार जा चुका है। उसने मुझे यहाँ तक गारंटी दिया हुआ है कि एक बार तूने उसका खाना खा लिया ना तो उंगली चाटते हुए रह जाएगा, उस वैसा खाना है। तो वैसे मैं उसको बोलता हूँ
मेरा एक स्कूल फ्रेंड है जगदीश सेठी करके, उसका एक रेस्टोरेंट है आशीर्वाद रेस्टोरेंट करके, कारगिल बाग से बहुत नज़दीक पड़ता है, बावड़ा में है, हरनी रोड पे। तो बरसों से खाना बनाता है और बहुत अच्छा बनाता है खाना। हम लोग तो ऑलमोस्ट रेगुलरली उसके वहाँ पे जाते रहते हैं। टेस्ट ऐसा है ना, घर के खाने जैसे टेस्ट मिलता है वहाँ पे, इसीलिए हम लोग उधर जाते हैं। दोस्त है इसके लिए नहीं, तो खाना बहुत अच्छा बनाता है इसके लिए जाते हैं। तो आज देख भी लेते हैं, आज खाना भी खाएंगे और जगह भी दिखा देंगे। जगह इतना अच्छा नहीं है, तूने जैसे बता दिया मुझे, राइट? ठीक है, लेकिन बता देंगे हम लोग। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अभी खाना खाने के लिए। तो गाइस, ये है आशीर्वाद होटल। कि तूने जैसे मुझे एक्सप्लेन किया था ना कि बहुत ही थर्ड क्लास है ये, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी इसका खाना खाते हैं और बता दे आपको भी कैसा है। हाँ बता। यहाँ पे जो ओनर है जगदीश भाई सेट्टी, मेरे बचपन के दोस्त है, स्कूल फ्रेंड है मेरे, और खाना एक नंबर बनाते हैं। एक नंबर। चलो खाते आज। बड़ौदा में ऐसी जगह भी अच्छा खाना मिलता है। ब्लॉगर नहीं लेना है, ब्लॉगर ब्लॉगर वाला रेस्टोरेंट बनाओ। ब्लॉगिंग करता है तेरा आशीर्वाद रेस्टोरेंट का ब्लॉगिंग करता है। मैंने ब्लॉग बोला है। ये है सब्जी बन रही है उधर भाई साहब, ये है इनके हाथ में जादू है, जादू है। ये मेरा दोस्त है ना, वो बोल रहा है कि इनके हाथ में जादू है। जादू का कमाल अभी देख लेते हैं हम लोग फाइनली। जगदीश सेट्टी नाम है, जगदीश सेट्टी। सारी सब्जी है, बटाकर होंगे आलू प्याज के। यहाँ का खाना है ना जबरदस्त है, वो देख के ही पता चल जाएगा। अभी टेस्ट करेगा ना तो और मजा आएगा। एक तरफ मैच चल रहा है, एक तरफ खाना बन रहा है, दूसरा मैच चल रहा है, दूसरा मैच यहाँ पे चल रहा है। देखो यहाँ पे है ना, आलू का सब्जी है, सिंपल आलू का सब्जी है, और इस तरफ रोटी बन रहा है यहाँ पे तवे पे। ये रोटी हम खाएंगे। यहाँ पे है ना हमेशा तवे से उतर के सीधे आपके प्लेट में गरम गर्मा गरम, कभी ठंडा रोटी होता नहीं है, गर्मा गर्म फुल गर्मा गर्म। सब्जी आ चुका है, रोटी बाकी है सिर्फ, और ओनियन आ चुका है जो हमारा फेवरेट है। रोटी आ चुका है फाइनली, एटलीस्ट बाइट तो मारते हैं। नमक नमक चाहिए। चलो अभी खाना हो गया है, फिर भी निकलेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ऐसी जगह पे खाना कैसा मिलेगा, भाई एक बार टेस्ट करके देखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। माइंड ब्लोइंग मतलब ऐसा होटल में भी ऐसा टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बेस्ट है ये, बेस्ट है। इसलिए छोटे टाउन में, स्मॉल टाउन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट कम रहता है लेकिन
खाना है ना उसके, ये भाई साहब के हाथों में ना जादू है, ये वाले, ये वाले इसके हाथों में जादू है। तो आज गुड मॉर्निंग डे टू है, मतलब नेक्स्ट डे है आज, और कल हम लोग खाना खाने गए थे ना, तो सीधा फिर हम लोग, फिर मैंने ब्लॉग नहीं किया, फिर बातचीत करने बैठ गए थे। इसीलिए भाई छोटी जगह कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार ये जगह इतना अच्छा नहीं है, कभी कभी हमें देखते हैं ना कि हम जगह देख के ना कभी कभी ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं खाना है, यहाँ पे नहीं खाना है, लेकिन है ना क्या करते हैं एक बार ट्राई करना चाहिए। मतलब अगर मैं भी खुद होता और मैं तो वहां से बहुत बार, मतलब कभी कभी मैं क्रॉस हो जाता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी दुकानें ध्यान में नहीं आती। बट जैसे केतुल ने बताया, तो केतुल ने बताया कि चल बहुत अच्छा खाना है तो मैं ट्राई करते हैं। इतना जबरदस्त खाना था ना, मतलब मैं नेक्स्ट टाइम भी शायद अभी जाऊंगा, हर दो दिन तीन दिन में हम जाते रहेंगे उधर खाना खाने, और सब्जियां ट्राई करेंगे। वैसा है, एकदम सिंपल सा घर जैसा खाना था, बहुत ही अच्छा लगा था। एक्चुअली मैं छोटा शहर बोलता हूँ लेकिन बड़ौदा छोटा शहर नहीं है, काफ़ी बड़ा शहर है वो। तो बस आज के लिए इतना करते हैं, अभी जा रहा हूँ मैं बाहर, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।